Hey guys, good morning, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे. तो guys, जैसे कि आपने देखा, अभी 5:10 हुआ है, मैं उठ गई हूँ. एंड उठते ही मेरा ये हैबिट है सारे खिड़कियाँ दरवाज़ा खोल के और बढ़िया सा गर्मा गर्म पानी इंजॉय करती हूँ. और अब ये टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा बेटा भी मेरे साथ ही उठ जाता है, यानी कि मेरे उठने के आधे या पौने घंटे बाद. कभी जल्दी कभी लेट होता रहता है, तो मैं अगर मुझे सुबह टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से उसको वर्क दे देती हूँ, वो वर्क करता रहता है और मैं अपना काम करती हूँ. और आजकल तो गर्मियाँ है ना, बहुत जल्दी सुबह होती है. और आज मुझे थोड़ी साफ़ सफ़ाई वगैरह ज़्यादा थी तो मैं लेट हो गई थोड़ा शावर लेने में. और मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं गाइस. वैसे तो मैं 7:30 बजे तक शावर लेती हूँ, फिर पूजा वगैरह करना होता है. तो अभी देख सकते हो आप, 8 बज गए हैं और मुझे अभी पूजा करनी है. और यहाँ पर आज मैंने ना ये पिंक वाली साड़ी पहनी है. एंड इसकी एक खासियत ये है, ये पिंक कलर एक तो मेरा फेवरेट है और दूसरी बात, ये साड़ी मेरे भैया ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था. सो आई लव इट, मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो बस फटाफट से थोड़ा सा बाल बाल बना के, मॉइस्चराइज़र मेकअप करके और अब मैं जाऊंगी पूजा के लिए. क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होता है ना कि कुछ भी चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पाते हो. मेकअप वेकअप फिर मैं शाम का ही रखती हूँ, शाम को ही अच्छे से बैठ के मेकअप करती हूँ, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता. तो रेडी होने के बाद पूजा कर ली है. और गर्मी, आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना गाइस, तो मैंने सिर्फ आधा कप चाय ली है. ब्रेकफास्ट करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरी. श्रेय को थोड़ा सा दे दिया है ब्रेकफास्ट, तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, मेरे साथ गप्पे मार रहा है. और यहाँ पर मैं भिंडी कट कर रही हूँ, आप जैसे कि देख सकते हो. आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, मसालेदार भिंडी. और ये मसाले वाली भिंडी की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. और यस गाइस, पानी पीते रहिए, गर्मियाँ बहुत हैं. ओके, तो डायरेक्टली लंच पे आ जाते हैं. थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, अच्छे से स्मोक हो जाए उसमें डाल देंगे जीरा. जीरा अच्छे से भुन जाए फिर हम डायरेक्टली डाल देंगे भिंडी जो हमने कट की थी. एंड यस गाइस, ये भिंडी हमें तभी कट करना है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जानी चाहिए. मैंने इसको रात को ही अच्छे से वॉश करके और कॉटन के कपड़े से ढक के रख दिया था, तो रात भर में बिल्कुल ड्राई हो गई थी. बिल्कुल गीली भिंडी नहीं लेनी है, नमी वाली. और ये मैंने अपना रूटीन का मसाला रेडी कर लिया है और इसमें है हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट और नमक और हल्दी पाउडर. बस भिंडी अच्छे से भुन जाए, फिर बीच में थोड़ा सा इस तरीके से कुआं बना के थोड़ी सी जगह करके ऑयल डाल के प्याज डाल देंगे. और प्याज इस सब्ज़ी में थोड़ी सी ज़्यादा लेना क्योंकि भिंडी में प्याज बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी में, आप एक बार ट्राई कीजिएगा. एक बड़ी सी प्याज लिया है मैंने. और प्याज और भिंडी दोनों को ही हम इस तरीके से भून लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट तक. और जब आप देखो कि प्याज अच्छे से भुन गई है, उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो वापस से हम थोड़ी सी जगह करेंगे और उसमें हम डाल देंगे हमारा मसाला पेस्ट. आप चाहो तो इस स्टेज पे आप, आपके पास अगर पाउडर मसाले हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हो. इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से पक जाने देंगे मसाले को, फिर हम सारी भिंडी में अच्छे से मसाला मिला लेंगे. एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है गाइस. इस सब्जी को आप कॉम्बिनेशन में रख सकते हो अरहर की दाल. अरहर की दाल से ये मसाले वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है. 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है, पकाते रहना है, स्लो फ्लेम पे चलाते भी रहिएगा स्पैचुला से. और मुझे ना गंदा किचन अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा मैं किचन बार बार साफ करती रहती हूँ. और यहाँ पर मैं मस्क मेलन कट कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड नहाकर आ गए हैं, उनको फटाफट से खाना चाहिए, आज उनको जल्दी काम है तो वो जल्दी जा रहे हैं. तो बस मस्क मेलन के जो भी सीड्स वगैरह वो निकाल के और फिर इस तरीके से कट कर लिए. एंड हमारे घर में सभी लोगों को मस्क मेलन बहुत अच्छा लगता है. गर्मियाँ हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए. और मस्क मेलन कट करके फिर मैंने देखा यहाँ पर तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक रही थी, थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने. आप चाहो तो इसको ड्राई भी बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा
करी चाहिए थी, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने, 2 से 3 मिनट पका लिया। मैंने देखा भिंडी अच्छे से पक चुकी है, एक लेमन को कट करके यानी कि आधा लेमन स्क्वीज कर दिया मैंने, और बस लास्ट में हम डाल देंगे इसमें धनिया पत्ती। तो ये हमारी बढ़िया सी खट्टी मसाले वाली भिंडी तैयार है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मीन वाइल्स मैंने एक चीज़ और बना ली थी, श्रीखंड, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये श्रीखंड मैंने रात को बनाकर रख दिया था। तो चलो उसकी भी रेसिपी देख लेते हैं। श्रीखंड बेसिकली गुजरात में बहुत पसंद करते हैं लोग, श्रीखंड पूरी खाते हैं। तो ये श्रीखंड बनाना बहुत ईजी है, गर्मियों में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये दही से बनता है। तो यहाँ पर मैंने दही को इस तरीके से जमा दिया था, आप देख सकते हो कितने अच्छे से दही जमा हुआ है। दही मतलब कि बिल्कुल गाढ़ा दही जमना चाहिए, एकदम पतला पतला नहीं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मैं इसको कट कर रही हूँ तो आइसक्रीम की तरह कट हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दही की। एक छलनी में कॉटन का कपड़ा लेके इस तरीके से दही को डाल देंगे और अच्छे से हमें इसको बांध देना है, हल्का सा नोट लगा के। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैं, ताकि ये खट्टा भी ना हो और इसका पानी निकल जाए। दही का जो पानी होता है फेंकेगा मत, उसको आप किचन में दाल या आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो गए हैं, मैंने देखा दही का पानी सारा निकल चुका है। तो अब हम एक बड़े से बोल में सारा दही, और ये हमारा दही यानी कि टंगा हुआ दही जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंग कर्ड, तैयार है। और इसको हम विस्क करेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना क्रीमी है, तभी मैं बोल रही थी गाढ़ा दही लेना, बिल्कुल एकदम पतला वाला जो होता है ना वो मत लेना, और बस घर में बना हुआ ही लेना। बाहर की चीज़ें तो अभी मैं मना ही करूँगी, जितना हो घर पे ही बनाओ। और इसको हमें बिल्कुल अच्छे से फेंटना है, थोड़ा सा शुगर पाउडर डालते हुए, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। तो थोड़ा सा शुगर पाउडर डालते हुए इस तरीके से मैं फेंटती रहूँगी, जब तक फेंटना है जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। ये देखो कितना स्मूद एंड क्रीमी हो गया है। और यहाँ पर मैंने 3 बार थोड़ी थोड़ी शुगर डाली थी, आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते जाइएगा। थोड़ी सी इलायची पाउडर एंड ये ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मैंने, और ड्राई फ्रूट में पिस्ता, काजू, बादाम, इलायची का पाउडर एंड किशमिश। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सिंपल रेडी है, बहुत क्विक बन जाता है गाइस। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बनके तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में अच्छे से रख दूंगी और इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए अच्छे से एकदम चिल्ड करूंगी, उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। तो ये श्रीखंड भी हम लोगों ने इंजॉय किया था, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी टाइम हुआ है, दोपहर के 1 बजा है अभी, और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। सारा काम कंप्लीट किया है मैंने, और सुबह 5 बजे से उठ के अभी 1 बजे तक काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और अब मेरा रूटीन रहेगा कि मैं थोड़ी बहुत श्री के साथ बातें बातें करूँगी, क्योंकि हम मॉम्स, हम पेरेंट्स को ना बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, वो भी अकेले होते हैं। तो इसीलिए अगर बच्चे भाई बहन है तो इट्स ओके, वो लोग खेलते रहेंगे आपस में, लेकिन मेरा बेटा अकेला है तो उसके लिए तो मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ तो मैं ही उसके साथ खेलती हूँ, हंसती हूँ, मस्ती करती हूँ। तो बस हम दोनों लोग थोड़ी देर मस्ती करेंगे, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगी करीबन 1 घंटा, और सुबह भी मैं उसको आधा घंटा तक पढ़ा लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। नहीं टाइम मिलता है तो दोपहर में तो डेली 1 घंटा मैं पढ़ाती ही हूँ। एंड उसके बाद फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक छोटी सी नैप लेती हूँ, और बस या तो फिर अपना यूट्यूब का काम एडिटिंग करती हूँ, एंड जो भी मुझे वीडियोस सही लगती हैं वो कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस देखती हूँ। आज शायद 29 है, यस आज 29 अप्रैल है, और आज मेरी मायके में शादी है।
एंड मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं जाने दिया मायके, क्योंकि क्या है ना, जाने नहीं दिया मतलब उन्होंने समझाया, रोका, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा वायरस फैल रहा है, इतना ज़्यादा। सो बी केयरफुल, जितना भी हो पब्लिक प्लेस में मत जाओ गाइस। एंड आप अपने अराउंड ऑफ भी देख सकते हो कि कितना ख़राब माहौल है। एटलीस्ट हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो अब आप बताइए कि अगर आपको कुछ हो गया तो आप कैसे ठीक हो पाओगे। तो बेटर यही रहेगा, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, लोगों से दूरियां बना के रखो जितना भी हो। शादी फंक्शन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। तो इसी तरीके से मेरी सासू मॉम ने और मेरे पापा ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, क्योंकि हम लड़कियों की क्या होता है ना, अगर मायके का नाम सुन के ना हमें लगता है कि नहीं यार जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए नहीं मिले। और अभी तो मेरे मायके में सभी लोग हैं, मेरे तीनों भैया, तीनों भाभी, उनके बच्चे, मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, तो बहुत अच्छा लगता अगर मैं जाती। लेकिन कुछ मोमेंट, कुछ सिचुएशन, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि हमें बात को समझना पड़ता है और हमें दिमाग से काम लेना पड़ता है। अगर मैं दिल से सोचती तो मैं चली जाती, लेकिन नहीं, मैंने दिमाग से सोचा और मैं आज नहीं गई, क्योंकि मैं पता, मैं पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट अभी मैं धीरे धीरे जब से शादी हो गई मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना, कि मतलब जो भी, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो जितना भी होता है मैं सोचती हूँ कि बस साइड पर रखो बातों को, भूल जाओ और आगे का सोचो और खुश रहो। तो बस यही है, मैंने अभी फ़ोन पर बातचीत की है सभी लोगों से, और उन लोगों से भी कहा है मैंने कि केयरफुल रहना और जितना भी हो फटाफट जाके आ जाना, और बहुत ज़्यादा रुकने उठने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मेरी बड़ी मॉम भी, उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है आजकल, उनको भी थोड़ा सा बुखार वगैरह रहता है, तो उनकी भी मेडिसिन चल रही है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और बस सोचा चलो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरे दिल के इतने करीब होते हो, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोल रही हूँ कि बाहर मत जाइए, जितना भी हो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर आना जाना तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हमें लड़ना है इस वायरस से। सो बी सेफ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।